friends, welcome back and thank you for tuning in once again to our channel. You're watching Counting Kilometers. So as you just saw, Rishikesh mein ek suhani si subah aur hum finally nikal chuke hain, everything is set. Aaj finally sare plan changes ke baad hum pahadon mein enter karne wale hain. Jo bhi plan changes hue, jo bhi delay hua, sab kuch hua. Kisi na kisi trip mein ye sab cheeze hoti rehti hai. Despite of all that, if there's one thing for sure ki hum jo plan kiya hai wo sab karne wale hain. So today we are heading towards Kedarnath. Sonprayag के लिए निकले हैं यहाँ से ऋषिकेश से. द राइड इज़ अराउंड 250 किलोमीटर्स टुडे. बिकॉज ऑफ अ रोड डाइवर्जन एज ऑफ टुडे यहाँ पे देवप्रयाग से जाने वाला जो रूट है वो रूट क्लोज्ड है. मे बी दो दिन में वो खुलने वाला है लेकिन अभी क्लोज्ड है. सो एज ऑफ टुडे हमें टेहरी वाला रूट लेना पड़ने वाला है विच इज़ 250 किलोमीटर्स. अगर देवप्रयाग से रूट ओपन होता तो 200 किलोमीटर होता, मतलब 50 किलोमीटर में एक्स्ट्रा पड़ेगा. बट स्टिल देर इज़ नॉट एन इशू बिकॉज न्यू टेहरी डैम जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल डैम हम आपको दिखा पाएंगे. सो देर इज समथिंग एडिंग अप टू कंटेंट, नॉट जस्ट डिस्टेंस. सो वी आर हैप्पी विद दैट. चलो फाइनली ऑन द सिक्स्थ डे ऑफ दिस राइड निकलने का वक्त आ चुका है. 10 बज गए हर दिन की तरह, आज भी लेट हो चुका है. एंड इट्स फाइनली टाइम टू से अगेन गुड बाय. सर आप हमारे साथ नहीं चल रहे हो, क्या करोगे? अभी 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 मुझे यही बोलना पड़ेगा. आप जो बोलते हो हमेशा, क्या बोलते हो? नहीं सी ऑन द रोड नहीं, वो बड़ा वाला है ना कुछ, क्या था? जिंदगी के किसी मोड़ पर फिर मिलेंगे रोड पर. मिलो मिलो, कहीं तो मिलो रोड पर. चलो सर निकलते हैं. यही सुनना था, यही सुनना था मुझे. ये देखो रिवर राफ्टिंग चालू हो चुका है उत्तराखंड में. सब एडवेंचर एक्टिविटीज एवरीथिंग इज ओपन. उत्तराखंड इज टोटली बैक टू नॉर्मल. बैठे अभी मैं जा रहा हूँ वापस हरिद्वार की तरफ क्योंकि पीछे जाने वाला जो रूट है एक्चुअली देवप्रयाग से होके जाने वाला है. जैसे दैट रूट इज क्लोज्ड, कल या परसों ओपन होने वाला है. वी आर टू डेज टू अर्ली. इट डजंट मैटर, हम लोग टेहरी होके जाएंगे तो टेहरी के लिए जाने का रास्ता जो है वो थोड़ा सा पीछे से कटता है तो पीछे से कटेंगे. 10 बजे हमने राइड स्टार्ट किया और अभी बज रहे 10:30. आधे घंटे में आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट डिस्टेंस नाउ, जस्ट लुक एट वेयर ऋषिकेश इज. वहाँ पे थे हम और आधे घंटे में यहाँ पहुँच गए. दिस इज द ब्यूटी ऑफ हिमालयन रोड्स. आधे घंटे में कम से कम 1000 मीटर ऊपर आ गए ऋषिकेश से. और अभी अगले 9-10 दिन में कहाँ पहुँच जाएंगे ये तो बस आप सोच ही सकते हो. जैसे ही ऋषिकेश से बाहर निकले एकदम मस्त प्रॉपर हिमालयन कर्व्स वाला रोड चालू हो गया है. अब आएगा मज़ा राइड करने का. पहले ही दिन पे थोड़ा सा हिमालयस का फील ले लो. लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पे, क्लियर कर चुके हैं एक्चुअली. बट स्टिल ऐसे बहुत से इंसिडेंसेस आगे आएंगे 10 दिन में. दो दिन पहले हाईवे पे राइड करते वक्त कहीं पे एक गड़बड़ हो गया था. अपना बाइक का जो सैडल स्टे है, सैडल स्टे का ये एक बोल्ट गिर गया था कहीं पे. सी यहाँ पे कुछ भी नहीं है उसको सपोर्ट, उस तरफ वाला है ऊपर के सपोर्ट से, ये गिर गया था. ये इतना लंबा बोल्ट कहीं नहीं मिल रहा था तो अभी यहाँ पे एक शॉप में इनके पास है उतना लंबा बोल्ट. इनफैक्ट ज़्यादा लंबा है और दिक्कत यह है कि वो हाफ थ्रेड वाला बोल्ट है तो अभी उसके पीछे की तरफ कुछ ना कुछ सपोर्ट स्टड डाल के टेम्परेरीली अपना काम बन जाएगा. तो ये सीन है, ये वाला जो बोल्ट गिर गया था अभी इस पर इसको चेक नट लगा दिया है लेकिन ये बोल्ट जो है बहुत ज़्यादा लंबा है तो अभी यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा नट्स डाल दिए हैं सो दैट ये अभी बैठ जाएगा. एक्चुअली अपने को ये इतना ही साइज़ चाहिए था, इतना बड़ा है इनके पास, ये साइज़ में मिल नहीं रहा था इनके पास अभी, जो भी है लेकिन अभी के लिए ये फिक्स हो गया है.
टेंशन नहीं है, और ज़्यादा फुटरेस्ट के ऊपर भी नहीं आ रहा तो प्रियंका को भी पैर रखने को टेंशन नहीं आएगा। तो फॉर नाउ इट लुक्स सॉर्टेड, देखते हैं अभी ऐसे जुगाड़ पे ही चल गई तो चल गई पूरी राइड, नहीं तो फिर ढूंढेंगे फिर से कहीं जाके। वैसे बाय द वे एक घंटा हो गया निकल के ऋषिकेश से, और एक घंटे में हम लोग ने अराउंड 40 किलोमीटर्स कर लिया है। अभी यहाँ से टिहरी और कुछ तो 25-30 किलोमीटर बाकी है, तो वी आर होपिंग कि जाके टिहरी में ही रुकेंगे। वैसे भी मैंने सोचा था कि टिहरी में ही जाके सिटी में घुसूंगा और कहीं हार्डवेयर का शॉप ढूंढूंगा, लेकिन ये रोड साइड में दिख गया और अंकल ने काम भी अपना फट से करा दिया। DRO वेलकम्स यू इन देवभूमि। DRO की सड़कों पे चलने में अलग ही मजा है, क्योंकि DRO की सड़कें आर्टिस्टिक होती है। तो ये है आपके लिए टिहरी झील का पहला नजारा। बाय द वे इफ यू डोंट नो अबाउट द टिहरी डैम, दिस इज द बिगेस्ट डैम बिल्ट ऑन गैंजेस रिवर। गंगा मतलब गंगा तो देवप्रयाग के बाद बनती है, भागीरथी रिवर जो गंगोत्री से ओरिजिनेट होती है उस पे बना हुआ ये सबसे बड़ा डैम है। अभी वो डैम कितना बड़ा है और कैसा दिखता है वो तो आपको आगे दिखाऊंगा। ये यहाँ पे टूरिज्म पॉइंट बनाया हुआ है टिहरी डैम पे, बोटिंग और सब वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एंड ऑल दैट। एंड एक्चुअल डैम वॉल इज अनदर 10 किलोमीटर्स अहेड, इतना बड़ा है ये भी डैम। दिस टिहरी डैम इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट डैम्स। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि लाइट व्हीकल्स को भी डैम की वॉल के ऊपर से आने की परमिशन दी गई है, तो कम से कम 20-25 किलोमीटर जो एक्स्ट्रा पड़ता है डैम के सामने से पूरा नीचे तक उतर के दूसरी तरफ से वापस ऊपर चढ़ना पड़ता है, वो पूरा डिस्टेंस बच गया डैम की वॉल पर से क्रॉस करके आ गए। और उसका माइनस पॉइंट शायद ये है कि अभी हमें डैम की वॉल का कहीं से फोटो नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली उस एरिया में फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। वैसे तो यहाँ पे जगह जगह पे बोर्ड भी लगे हुए हैं कि दिस इज अ नो ड्रोन जोन, तो ड्रोन फ्लाई भी नहीं कर सकते। शायद कहीं बैकवाटर्स के पास जाने के बाद मैं आपको दिखा पाऊंगा। वी आर स्टिल राइडिंग पैरेलल टू द बैकवाटर्स ऑफ टिहरी डैम। अभी नेक्स्ट मिशन इज टू फाइंड सम प्लेस टू हैव लंच, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट थोड़ा लाइट हुआ था तो दोनों को भूख लगी है। बट द बेस्ट पार्ट इज अभी हिमालयाज में है, ऊंचे ऊंचे पाइन ट्रीज है तो ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा है। सो इवन एट अराउंड 2 o'clock इन द नून इट्स प्लीजेंट। ढूंढो ढूंढो रे साजना लंच विथ क्लीन वॉशरूम, ढूंढो, मैडम का ऑर्डर आ चुका है। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लेटर अभी तक एक भी रेस्टोरेंट नहीं मिला है। और बाय द वे अभी तक ये टिहरी डैम के बैकवाटर्स भी अपने साथ ही है। एंड वन मोर थिंग, अपने साथ एक बहुत बड़ा मैटर हो गया है। वो मैटर क्या है, रेस्टोरेंट ढूंढ के खाना खाने बैठेंगे ना, अभी बताऊंगा आपको। रेस्टोरेंट मिल गया अपने को, सेल्फी पॉइंट होटल एंड रेस्टोरेंट। और ये सेल्फी पॉइंट क्यों है मालूम है क्या, चलते हैं अंदर दिखाता हूँ आपको सेल्फी पॉइंट नाम क्यों रखा है इस रेस्टोरेंट का। बहुत बढ़िया लोकेशन पे ये। तो पेट एकदम खचाखच भर गया एक चाउमीन और कोल्ड कॉफी से, एंड आई एम श्योर आपका भी पेट भर गया होगा ये नज़ारे एंजॉय करके। सो नाउ इफ एवरीवन इज हैप्पी, अभी थोड़ा सा जो सैड पार्ट हुआ है ना वो भी आपको बता देता हूँ। थोड़ी देर पहले राइड करते वक्त हुआ है यूं, एक जगह पे रास्ता खराब था, मैं अचानक से पैर नीचे टिकाने गया
तो मेरे शूज़ का जो सोल है उसने मेरा साथ छोड़ दिया। मतलब राइट साइड के शू में अभी सोल ही नहीं है, बिना सोल का जूता पहन रहा हूँ मैं। लेफ्ट वाला सही है एकदम पूरा का पूरा, राइट वाला जो है ना वो एकदम फ्लैट है, जिसके नीचे सोल ही नहीं है, रबर सोल गायब हो गया, वो गिर गया कहीं पे। एंड वी आर इन सच अ सिचुएशन राइट नाउ कि अभी फ़िलहाल ट्रैकिंग वाले शूज़ राइडिंग के लिए पहन भी नहीं सकता, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली टचवुड ऐसा कुछ ना हो, लेकिन अगर कहीं पे गिर गए, कुछ हो गया और ट्रैकिंग वाले शूज़ ख़राब हो गए तो फिर ट्रैक्स की वाट लग जाएगी, ट्रैक कर नहीं पाऊँगा। सो इट्स बेटर कि ऐसा ही बिना सोल वाला जूता लेके मैं आज का और कल का दिन राइड करने वाला हूँ। व्हाट विल हैपन इज दोनों जो ट्रैक है केदारनाथ और तुंगनाथ, दोनों ट्रैक्स एक बार हो गए उसके बाद फिर टेंशन नहीं है, उसके बाद इस शूज़ को बाय बाय टाटा गुड बाय कह देंगे, उत्तराखंड को दान कर देंगे और फिर ट्रैकिंग शूज़ पहन के घर तक चले जाएंगे राइड करते हुए। लेकिन अभी फ़िलहाल दो दिन ये ऐसे ही बिना सोल के जूते पे राइड करनी है। बाय द वे टाइम राइट नाउ इज़ 3:15 इन द नून, वी आर ऑलरेडी टू लेट बिकॉज अभी यहाँ से 150 किलोमीटर और जाना है। गूगल मैप्स इज सेइंग 5 hours and 5 minutes स्टिल टू गो। 3:30 बजे अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो मतलब 8:30-9 बज जाएंगे पहुँचने को, और 8:30-9 बजे जो ठंड पड़ेगी वो तो अभी कुछ बोल नहीं सकता उसके बारे में, वो तो एक्सपीरियंस करने पे ही पता चलेगी। एंड नोबडी इज प्रिपेयर्ड फॉर दैट एक्सपीरियंस। प्रियंका प्रिपेयर्ड? हाँ, प्रियंका तो सुबह से फुल पैंट वगैरह थर्मल पहन के बैठी है, फुल ऑन धूप में जैकेट के अंदर थर्मल्स पहन के बैठी। क्यों मालूम है? अभी हम ठंड वाले एरिया में जाने वाले हैं ना, तो पहले ही पहन लिया। चलो एनीवेज लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर नाउ। आगे आगे और भी बातें होती रहेंगी और भी नज़ारे दिखते रहेंगे, लेट्स गो। चलो टहलना और साइट सीइंग थोड़ा सा भी कम करके थोड़ा बहुत भागना पड़ेगा अभी। एटलीस्ट ये श्रीनगर जो है 44 किलोमीटर्स, वहाँ तक नॉनस्टॉप चलेंगे। क्या ब्यूटीफुल रूट है ये, तो मज़ा आ रहा है ना गाड़ी चलाने में। जस्ट 3 or 4 किलोमीटर्स बिफोर श्रीनगर हम ये नेशनल हाईवे को टच कर गए वापस, मतलब जो मेन रोड है देवप्रयाग से आने वाला जो फिलहाल बंद है उसको भी टच कर लिया। तो अभी यहाँ से श्रीनगर से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से अगस्त मुनि होते हुए, मतलब जो रेगुलर चारधाम का रूट है उसी रूट से अब जाना है। जो डिटूर था 50 किलोमीटर का वो सक्सेसफुली डन। ये श्रीनगर टाउन नदी के उस पार, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, लैंडस्लाइड हुआ है या ब्रेकर लगाया है, जो भी हुआ है टाइम जाने वाला है। This is the only problem with riding in Himalayas. See the time right now, it's only 5:45. अभी तक 6 भी बजे नहीं है and it's already started getting dark. और 80 किलोमीटर्स यहाँ पे हिमालयाज में मतलब 3-3.5 घंटे तो मिनिमम पकड़ो। अब देखो 9-9:30 बजे तक तो आज राइड करना ही है। फाइनली रुद्रप्रयाग पहुँच गए। नाउ रुद्रप्रयाग से हमें लेफ्ट में कटना है, सीधा रास्ता जो जाएगा टूवर्ड्स कर्णप्रयाग। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल सीन, पीछे सनसेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे रुद्रप्रयाग बाईपास पे हमने एक शॉर्ट ब्रेक इसलिए लिया है बिकॉज आई वॉन्टेड टू थ्रो सम नॉलेज एट यू, ज्ञान का डोस। ये है पूरी रुद्रप्रयाग सिटी एंड दिस हियर इज द होली कॉन्फ्लुएंस जो उस तरफ से आ रही है, दैट इज़ अलकनंदा रिवर जो बद्रीनाथ में ओरिजिनेट होती है, और जो इस तरफ से आ रही है दैट इज़ मंदाकिनी रिवर जो केदारनाथ में ओरिजिनेट होती है। सो मंदाकिनी और अलकनंदा रिवर का ये संगम और आगे ये अलकनंदा के नाम से बहती है। दैट्स इट अबाउट ज्ञान का डोस। अभी यहाँ से आगे निकलने का टाइम है। राइट नाउ वी आर इन रुद्रप्रयाग बाईपास एज यू ऑल नो। यहाँ से सोनप्रयाग इज़ अनदर 72 किलोमीटर्स। पता नहीं अभी कितना टाइम लगेगा क्योंकि 72 किलोमीटर्स ऑन हिमालयन रोड्स इज़ लाइक 3 hours वी हैव टू कंसिडर। अभी 6:30 बज रहे हैं, 9:30-10 बजे तक राइड करना इस रोड पे थोड़ा सा यार कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, ऐसा नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन लग रहा है यार जाऊँ ना जाऊँ। देखेंगे अगस्त महीने तक या उखीमठ तक तो पहुँच जाएंगे, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। एक्जैक्टली 6:31 अभी पेट्रोल आज का पहला ही फिलअप था। ये पेट्रोल बैठा 10.18, प्राइस टोटल हो गया कितना 8
69. Yasthamuni village was 13 kilometers from where we started, मतलब रुद्रप्रयाग बाईपास के बाद. अभी इसका मतलब है कि अराउंड 50 किलोमीटर बचा है. सो फार सो गुड. छोटे रोड पे दो कार्स आमने सामने, किसी एक के तो पीछे जाना पड़ेगा भाई. अरे एक सूता नहीं वाचलास भावा, मस्त टैटू काढून घेतला असता. नाही तर यार ये बीच में ही अचानक से जंगल वाला स्ट्रेच आ गया और बिल्कुल कोई नहीं है. ओ नशीब, थोड़ा तरी गाड़ी आला समोर ना. ऑलमोस्ट पिछले 2 किलोमीटर से ना एक भी गाड़ी नहीं आई थी, ना पीछे से ना सामने से. वियर्ड लगने लगा था, अचानक से सब लोग किधर चले गए. फुल ऑन स्केटिंग चल रहा है यहाँ पे. फुल कीचड़ हो जाए. अभी ये सोनप्राग से 20 किलोमीटर्स पहले फाटा करके गांव है, और अभी इसके बाद 5 किलोमीटर पे सिरसी. ये दोनों जगहों पे हेलीपैड्स है जहाँ से हेलीकॉप्टर सर्विस चलती है केदारनाथ के लिए. ये दोनों गांव के नाम याद रखो, फाटा और सिरसी. तो इफ यू वांट टू गो बाय हेलीकॉप्टर देन आपको सोनप्रयाग तक जाने की ज़रूरत नहीं है. आप फाटा में या सिरसी में रुक सकते हो. यहाँ पे ऑन द वे मैंने देखा बहुत से होटल्स होम स्टेज वगैरह है, तो वहाँ पे रुक के हेलीकॉप्टर से आप जा सकते हो. हेलीकॉप्टर के कुछ तो गवर्नमेंट ने फिक्स किए हुए चार्जेस है, 2300 या 2400 समथिंग वन वे. भाई ये तो एक्सट्रीम एडवेंचर बन गया है. रात को 8:30-9 बजे ये ऐसे रास्ते, और इस तरफ क्या है, कितना नीचे खाई है वो भी समझ में नहीं आ रहा है. 50 किलोमीटर के लिए 12 घंटे झगड़ने के बाद एग्जैक्टली एट 9 o'clock इन द नाइट वी हैव मेड इट टू सोनप्रयाग. वी आर फाइनली हियर एट द बेस ऑफ केदारनाथ. फट से जाके कहीं ना कहीं पे रूम ढूंढते हैं, चेक इन करते हैं, एंड देन विल हैव अ लॉट ऑफ गपशप. पहुंच तो गए हम सोनप्रयाग, लेकिन सोनप्रयाग से वापस आना पड़ा. टेंशन मत लो, 2 किलोमीटर पीछे सीतापुर में वापस आना पड़ा. देयर आर टू रीजंस बिहाइंड दिस. पहली बात तो ये है कि सोनप्रयाग जो गांव है जहाँ पे सारे होटल्स वगैरह है, वहाँ पे प्राइवेट व्हीकल्स को अलाउड नहीं है. सोनप्रयाग गांव की एंट्री पे पब्लिक पार्किंग बना हुआ है, आपको अपनी गाड़ी वहीं पे पार्क करनी पड़ती है. दे चार्ज 24 आवर्स के लिए 100 रुपीज पर व्हीकल. अभी ये टू व्हीलर के लिए है या सब व्हीकल्स के लिए पता नहीं, लेकिन उसने बाइक का मुझे उतना बताया. बिसाइड्स दैट वहाँ पे गाड़ी लगा के सैडल बैग और वो बूट बॉक्स जितना भी अपना सारा लगेज है सब ले के हाथ में लेके गाँव में होटल ढूंढने के लिए जाना पड़ता. उससे अच्छा है 2 किलोमीटर पीछे, 2 किलोमीटर भी नहीं मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर था राइट, 1 किलोमीटर पीछे सीतापुर गांव है जहाँ पे रोड साइड में सारे होटल्स है, आपको होटल के सामने पार्किंग स्पेस मिल जाएगा. एंड द सेकेंड थिंग, सोनप्रयाग में होटल्स ज़्यादा कॉस्टली है. सोनप्रयाग में 2000-2500 रुपये के आसपास रूम था, वेयर एज सीतापुर में हमें फेयर इनफ बेसिक जो रूम है वो विद अटैच्ड वॉशरूम एंड ऑल वो रूम हमें मिल गया 700 रुपीज़ में. तो अभी 2 दिन के लिए रूम ले लिया है, बिकॉज कल हम लोग तो रुकेंगे ऊपर केदारनाथ मंदिर के पास, लेकिन हमारा सब सामान सैडल बैग और सब सामान यहीं पे रहने वाला है, तो 2 दिन के लिए लेना पड़ा रूम. टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंसेस, ब्रेकफास्ट करके ही हम लोग निकले थे सुबह हैशटैग हॉस्टल से ऋषिकेश से. वहाँ पे ब्रेकफास्ट हुआ था आई थिंक 230 रुपीज़ समथिंग. लंच हमने जो किया जो सेल्फी पॉइंट रेस्टोरेंट, इट वॉज ब्यूटिफुल, इतना अच्छा था खाना, टेस्टी भी था, एंड इट वॉज चीप एज एनीथिंग. मतलब वो चाउमीन और कोल्ड कॉफ़ी वगैरह सब पकड़ के 200 रुपये बिल हुआ था सिर्फ. तो 200 रुपये का लंच, 230 रुपये का ब्रेकफास्ट, और शाम को अभी डिनर हुआ टोटल 300 रुपये का. वो भी थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पे खाने के मामले में. आई वुड से कि सोनप्रयाग उतना ज़्यादा मतलब उतना ठीक ठाक नहीं है. थाली लिया था थोड़ा कॉस्टली है, 150 रुपये का थाली है, उसमें भी राइस ठीक से पका हुआ नहीं था. तो फिर दूसरे होटल में गए, वहाँ पे दाल राइस लिया, वो 100 रुपीज़ का था, वो भी
खास नहीं था कुछ। सो खाने के मामले में सोनप्रयाग इज़ प्रिटी बेसिक यू कैन से। एनी वेज टोटल खर्चा आज का हुआ अपना 1000 रुपीज़ के अंदर ही, और 1400 रुपीज़ 2 दिन का रूम का। थोड़ा सा अभी वो एक्सेस चला जाएगा 1000 रुपीज़ के अपने बजट से, लेकिन क्या कर सकते हैं, अपना लगेज और बाइक भी तो सेफ रहना चाहिए यहाँ पे। बिसाइड्स दैट फ्यूल जो पहले था बाइक में उसी में हम अगस्त्य मुनि तक पहुँच गए थे, मतलब रुद्रप्रयाग क्रॉस करके। आज के दिन का राइड था अपना 250 किलोमीटर्स, बिकॉज ऑफ दैट 50 किलोमीटर का डिटूर टेरी डैम वाला। अगर ये वीडियो देखने के बाद या अगले सीजन में आप आते हो तो तब तक देवप्रयाग वाला रूट चालू हो चुका होगा। सो टोटल आपका डिस्टेंस 200 किलोमीटर ही रहेगा ऋषिकेश से सोनप्रयाग। बट वन थिंग दैट आई मस्ट से कि आखिरी 50 किलोमीटर, मतलब जो कुंड विलेज है जहाँ से चोपता वाला रूट अलग जाता है और सोनप्रयाग वाला, वहाँ से सोनप्रयाग तक 50 किलोमीटर नहीं है, 37 किलोमीटर्स, राइट? यस, 37 किलोमीटर्स इज हेल ऑफ अ रोड, टेरिबल ऑफ रोड, बहुत गंदा रोड है वो। 37 किलोमीटर्स करने के लिए हमें 2 घंटे का टाइम लगा, एंड इट्स वर्स्ट, बहुत ही बेकार रोड है। मतलब दिन भर में 200 किलोमीटर राइड करने में जितना थका नहीं था ना मैं, उतना मैं आखिरी ये 35 किलोमीटर में थक गया था। अभी हालत ऐसी है कि डिनर करके वापस आने के बाद ये सब आपके साथ बातें करनी है, इसके बाद ये सब डेटा ट्रांसफ़र करना है आज के दिन का लैपटॉप में, और आई एम ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी, तो बहुत हालत ख़राब हो गई। एनीवेज, अब आपको ये तो पता है ही कि ये ट्रिप अब अपने एडवेंचर जोन में पहुँच चुकी है। कल सुबह यहाँ से हमें जाना है केदारनाथ ट्रैक के लिए। इट इज़ अ 20 किलोमीटर्स ट्रैक, मतलब 16 किलोमीटर्स का ट्रैक। यहाँ से गौरीकुंड तक 4 किलोमीटर के लिए शेयर टैक्सी अवेलेबल हो जाती है, लेकिन 16 किलोमीटर्स का टोटल ट्रैक करके हम कल केदारनाथ पहुँचने वाले हैं। पूरे ट्रैक का पूरा एक्सपीरियंस, आजू बाजू में दिखने वाले सारे नज़ारे, सारे चिल वाइब्स, सिनेमैटिक शॉट्स, एवरीथिंग यू विल गेट टू सी इन द नेक्स्ट व्लॉग। तो फिर मिलेंगे अगले संडे शाम को 6 बजे। दिन और टाइम दोनों याद रखना, तब तक बाकी लोगों से ये वीडियो शेयर करो और पूरी सीरीज देखने के लिए बोलो, हमारे साथ जुड़ने के लिए बोलो, सब्सक्राइब कराओ। 10,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस होना चाहिए, केदारनाथ जी के दर्शन करने तक ही होना चाहिए, ये राइड खत्म होने तक नहीं, उससे पहले हो जाना चाहिए 10,000। सो अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी केदारनाथ के ट्रैक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी। कीप काउंटिंग किलोमीटर्स।